यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुरुग्राम मार्ग पर झज्जर के किसानों ने जाम लगा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर गुरुग्राम मार्ग पर झज्जर के किसानों ने जाम लगा दिया है और मार्ग पर सरसों की भारी ट्रॉली लगाकर जाम लगाया गया है किसानों के द्वारा। तो यहां पर खरीद के लिए कई दिनों तक काट रहे थे अधिकारियों के चक्कर, तो खरीद के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, जिससे नाराज होकर अब गुरुग्राम के जो रास्ते को जाम कर दिया गया है। और खरीद के लिए कई दिनों तक अधिकारियों के चक्कर काटे जा रहे थे, जिसको लेकर आज गुरुग्राम के मार्ग को जाम कर दिया गया है। मजबूर होकर किसान जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, खरीद नहीं की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने गुरुग्राम के मार्ग को जाम कर दिया है और झज्जर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, किसानों ने जाम लगा दिया है और खरीद नहीं की जा रही है। जी, आपको बता दें कि झज्जर जिले के लघु सचिवालय के सामने गुरुग्राम रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया गया है। सरसों से भरे ट्रैक्टर ट्रैली सड़क पर खड़े कर लगाया जाम। सरसों की खरीदने से खफा है किसानों का कहना है कि खरीद नहीं करने से परेशान है। हम सभी किसान जो कुलाना गांव के लगते हुए छोटे छोटे गांव है, उनकी खरीद नहीं कर रहे किसान। वो आढ़ती और अधिकारी कल भी जिला उपायुक्त से इस संबंध में मिले थे, लेकिन कोई झूठा आश्वासन देकर ही असंतोषजनक रहे। यहाँ पर किसान तो मजबूरन होकर ही सड़कों पर उतरना पड़ा किसानों को। सुमित, खरीद ना होने की क्या वजह बताई जा रही है? जी, आपको बता दें कि कल जैसे कि अधिकारियों से कुछ पता लगा था तो बोला गया कि कुछ क्विंटल सरसों भी थी जो खरीदनी थी, वो तो उस संबंध में खरीद ली गई है। अब आगे कोई सरसों नहीं खरीदी जाएगी, लेकिन जिला उपायुक्त ने खरीद के लिए आदेश दिए थे, लेकिन उस आदेशों की अधिकारियों ने अवहेलना की है। उसको मजबूर होकर किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। जी सुमित, आढ़तियों ने नियमों की अवहेलना की है, तो इसके ऊपर प्रशासन की क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, आपको बता दें कि अभी जिला उपायुक्त कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त है, जैसे ही उनको टाइम मिलता है तो उसी का समाधान किया जाएगा जी। लेकिन अभी किसानों ने जाम लगाया हुआ है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी अधिकारियों का वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। तो क्या ये जाम अभी भी लगाया हुआ है या फिर जाम को हटा दिया गया है? जी, अभी बता दें कि झज्जर की गुरुग्राम अनाज मंडी के सामने ही किसानों ने ट्रैली खड़े करके सड़कों पर जाम लगाया हुआ है और कई अधिकारी अभी कोई मौजूद नहीं है। किसी अधिकारी ने अब तक किसानों से किसी प्रकार की कोई बातचीत का भी समय नहीं दिया है कि कोई जाम किस तरह क्या समस्या है क्या नहीं है उसको लेकर अभी तक कोई जाम नहीं खोला गया। अधिकारी आने के बाद ही जाम खोला जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सरसों की खरीद ना होने की वजह से किसान जो हैं वो नाराज हैं और उन्होंने गुरुग्राम मार्ग को जाम कर दिया है। तो यहाँ पर झज्जर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और सरसों की खरीद नहीं की जा रही है। पहले कुछ सरसों को खरीद लिया गया था, कुछ क्विंटल सरसों को खरीद लिया गया था, लेकिन इसके बाद आढ़तियों ने सरसों को खरीदना बंद कर दिया है। और यहाँ पर देखा ये भी जा रहा है कि नियमों की अवहेलना की जा रही है और इसके ऊपर अधिकारी अभी संज्ञान लेंगे, तब ये जाम खोला जाएगा।